सभी को खतरों के खिलाड़ी 13 का इंतजार है। रोहित शेट्टी मई के दूसरे हफ्ते में अर्जेंटीना में टीम से जुड़ेंगे। शीजान एम खान वर्तमान में ट्रेन कर रहा है। अलीबाबा दास्तान ए काबुल के प्रमुख अभिनेता के लिए 2023 भयानक रहा। उनकी पूर्व प्रेमिका तुनिसा शर्मा का दिसंबर 2022 में निधन हो गया। उन्होंने अलीबाबा दास्तान ए काबुल फिल्म करते समय बाथरूम में फांसी लगा ली। आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में शीजान एम खान को तुरंत हिरासत में लिया गया। करीब 2 महीने जेल में रहे। वो अब ठीक हो रहा है। यात्रा करना कठिन है, खासकर यदि कोई मुकदमा चल रहा हो। कानूनी मुद्दों ने मुनव्वर फारूकी को पिछले साल रोहित शेट्टी एंड कंपनी में शामिल होने से रोक दिया। शीजान एम खान ने परमिट मांगा। राष्ट्र भिन्न होते हैं। अर्जेंटीना के नियम दक्षिण अफ्रीका से भिन्न है। शीजान एम खान ने सोशल मीडिया पर तुनिसा शर्मा के लिए कविता लिखी। वो स्पष्ट रूप से आहत है। अदालत में अभिनेत्री के परिवार का कोई भी आरोप साबित नहीं हुआ।